हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नेम है डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले मैंने आपको सेंट्रलाइजेशन का जो टॉपिक था वो कवर करवा दिया है। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियोज़ पहले भी देखी हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करो प्लीज़, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ओके, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अपना जो ये वाला टॉपिक है हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन सेंट्रलाइजेशन पावर इज़ गिवन टू द सिंगल पर्सन। हमने लास्ट वीडियो जो सेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक था उसके अंदर देखा था कि जो पावर है सिंगल पर्सन को दे दी जाती है, ठीक है। तो जो सिंगल पर्सन होता है वो जो है हेड होता है किसी भी चीज़ का। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, पावर इज़ डिवाइडेड और शेयर्ड अमंग मैनी पर्सन्स। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो पावर होती है या तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है या फिर लोगों के बीच में जो है वो शेयर कर दिया जाता है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल क्या होता है। इन अ पॉलिटिकल सिस्टम पावर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पावर या फिर डिपार्टमेंट जो है डिवाइड कर दिए जाते हैं अमंग मैनी पॉलिटिशियंस। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, या तो पावर या फिर डिपार्टमेंट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिशियन के बीच में जो है डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। किसके बीच में डिवाइड किए जाते हैं, अभी ध्यान से देखो, हु आर एडोरेबल फॉर दिस पावर। पावर सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो पर्सन उसके कैपेबल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक होता है, उसी को जो है वो पावर दी जाती है, ठीक है। ये एग्जांपल था आपका डिसेंट्रलाइजेशन का। उसके बाद देखो, डिवीजन ऑफ पावर टेक्स प्लेस एट अपर एज वेल एज लोअर लेवल। जो डिवीजन ऑफ पावर होता है यानी कि जो पावर का डिवीजन होता है, शेयरिंग होती है, वो अपर लेवल के साथ साथ लोअर लेवल के ऊपर भी की जाती है। सो दैट द ईच पर्सन चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली, ताकि हर एक पर्सन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से जो है निभा सके। उसके बाद है आपका अकॉर्डिंग टू मिसेज आर के शर्मा क्या बोलती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो है एक इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, अथॉरिटी होती है। दिस इज़ डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट्स। ये एक डेमोक्रेटिक नेचर को शो करता है, किसी भी इंस्टीट्यूट या प्रीमिसेस की ये डेमोक्रेटिक नेचर को शो करता है। और उसके बाद ह्यूमन कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स जो है शो करता है, ताकि हर किसी को, हर एक ह्यूमन को जो है अपने अपने राइट्स का अच्छे से जो है पालन करने का मौका मिले, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। इसका आपको नेक्स्ट पार्ट जो है, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।